जिला मंडी में पिछले कल 24 जुलाई को 26 केसेस पॉजिटिव कोविड के आए हैं। इन सभी केसेस की एनालिसिस हमने की है और इसमें पाया गया है कि 26 में से 20 केसेस ऐसे हैं जो कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के हैं, यानी कि जिनके टेस्ट पहले पॉजिटिव आए थे उन्हीं के संपर्क में जो आए लोग हैं, वो 26 में से 20 लोग वही हैं। 6 लोग अन्य लोग हैं जो बाहर के राज्य से यहाँ पर आए हैं और वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन तथा होम क्वारंटाइन में थे और उनके जो है टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। 26 केसेस हमारे लिए एक बड़ा सर्ज है, क्योंकि जिला मंडी में अधिकतर 3-4 केसेस के आगे हर दिन नहीं आते थे, पर 26 केसेस आने के बाद भी हमारी पूरी तैयारी है कि इस सर्ज को डील करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारी पूरी तरह से तैयारी भी है। कुछ बात ऐसी भी आई थी कि शहर में लोग डाउट रेज कर रहे थे कि शहर में केसेस और किस तरह से ये फैल रहा है, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले कल 37 सैंपल्स शहर से लिए गए थे, विशेषतः जोनल हॉस्पिटल एरिया से, और उनमें से 36 सैंपल्स नेगेटिव आए हैं, सिर्फ एक ही सैंपल पॉजिटिव आया है। तो सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चली हुई है। बाकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो लोग पहले पॉजिटिव आए थे उनकी सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने की है, और 5-5 दिन के बाद जैसे उनके कॉन्टैक्ट आएंगे उसके बाद सैंपल्स इनके सबके उठाए जाएंगे और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये भी एनालिसिस में हमारा आया है कि ये वायरस जो अभी फैला हुआ है, विशेषतः 3 लोग पहले हमारे पॉजिटिव आए थे और उसके बाद अब ये बाकी सब लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं, ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का वायरस है, थोड़ा पावरफुल वायरस है, जिससे कि संक्रमण की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। इसको देखते हुए प्रिलिमिनरी तौर पर जो अधिकारी भी थे जिन्होंने शिमला में भी मीटिंग अटेंड की थी, उन्होंने भी सब टेस्ट करवाए और उसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं उनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं। जहां तक सर्च की बात है, प्रशासन की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, सबकी पूरी तैयारी है कि इस तरह की सर्च हम पहले भी एंटिसिपेट करते आ रहे हैं कि जब भी ऐसा सर्च आएगा तो हमारी कैपेबिलिटी क्या रहेगी, किस तरह से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और हमारा रिस्पॉन्स कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स बिल्कुल तरीके से तैयार है, और इस तरह के सर्च अगर आगे भी आते हैं तो हम सभी सर्च को निपटने के लिए सक्षम हैं, तैयार हैं। केसेस जितने आए हैं हमें लगता है कि और भी कॉन्टैक्ट्स हैं, और भी केसेस बढ़ने की संभावना है, पर इसी में मैं सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट्स हैं, जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उन्हीं के प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दैट इज़ ऑन वेरी मच ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स, और इसमें किसी को डरने की बात नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब ये सर्च आया है तो उसके लिए हमारी पहले ही हमने क्षमता डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर की आइडेंटिफाई कर रखी थी। सिर्फ हमारा एक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर ढांसीधार में कार्य कर रहा था, पर जैसे ही केसेस बढ़े हैं हमने 2 और सेंटर्स कल एक्टिवेट किए हैं, एक रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोगिंदरनगर और एक पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थुनाग, इनको आइडेंटिफाई किया है। तो हमारी कैपेसिटी आज के दिन में 150 की कैपेसिटी है, जहां पर कि हम पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट करके वहां पर रख सकते हैं। आज हम और 2 सेंटर्स एक्टिवेट करेंगे और हमारी पूरी कैपेसिटी आज से 300 की हो जाएगी, 150 की कैपेसिटी लगभग हम आज ऑगमेंट करेंगे ताकि 300 पॉजिटिव केसेस भी हम यहां पर आराम से डील कर सकें। जहां बात कैपेसिटी की है, हमारे पास एक नेरचौक मेडिकल कॉलेज भी है जहां पर की कैपेसिटी अभी इतनी यूटिलाइज नहीं हुई है, तो वहां पर भी हमारे पास काफ़ी बफर है, जिसमें कि जितने भी सिम्टोमेटिक केसेस हैं, जितने भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं, हाई रिस्क पॉजिटिव केसेस हैं, उनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा, तो वहां पर भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कैपेसिटी है कि हम जितने भी सर्ज आता है, अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते भी है तो वी आर कंफर्टेबल, हम किसी भी स्थिति को हैंडल करेंगे और यहाँ पर जो आइसोलेशन करना है उस तरह से हम कर पाएंगे। साथ ही साथ सरकार के दिशा निर्देश भी हैं, भारत सरकार के भी और राज्य सरकार के, कि होम आइसोलेशन की भी संभावना एक्सप्लोर की जाए। उसके बारे में भी पिछले कल हमने ऑर्डर इशू किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है और वो असिम्प्टोमेटिक है और उसका घर में उस पर्याप्त मात्रा में जो प्रोटोकॉल दिया हुआ है उसकी अगर व्यवस्था है, तो उनको होम आइसोलेशन में भी रखा जा सकता है।
अभी तक किसी को भी होम आइसोलेशन में जिला मंडी में नहीं रखा गया है, पर अन्य जिलों में जहां पर केसेस ज्यादा है वहां पर इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी जिला मंडी में भी जो प्रोटोकॉल सेटिस्फाई करेंगे एज पर दी इंस्पेक्शन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स, जिसमें सीएमओ या उनके उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी है, उनके द्वारा जब इंस्पेक्ट करेंगे और अंडरटेकिंग दी जाएगी एज पर प्रोटोकॉल, तो कुछ लोगों को होम आइसोलेशन में भी रखा जा सकता है। इसके साथ ही जितने भी हमारे 26 केसेस आए हैं उनको आइसोलेट करके हमने जो हमारे डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स हैं वहां पर शिफ्ट किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति को नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया है, 7 लोगों को आरटीआई जोगिंदरनगर में शिफ्ट किया गया है, 5 लोगों को ढांगसीदार में शिफ्ट किया गया है और 13 लोगों को पीआरटीआई थुनाग में शिफ्ट किया गया है। सभी जगह पर कंटेनमेंट जोन, जो भी लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में नहीं थे वहां पर सभी जगह पर कंटेनमेंट जोन आइडेंटिफाई किए गए हैं और वहां पर एक्टिव केस फाइंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनके साथ ही जो लोग पॉजिटिव आए उनकी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रहे हैं, उनसे पता भी कर रहे हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा लगता है कि वो जो पॉजिटिव आया है उनके संपर्क में आया है, तो वो नजदीकी आशा वर्कर, जो अपने एरिया के आशा वर्कर है, उनको बता सकते हैं, नजदीकी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सीएमओ ऑफिस में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या जो पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रधान वार्ड मेंबर, उनको बता सकते हैं, एमसी एरिया में म्यूनिसिपल काउंसिलर्स को बता सकते हैं कि उनका संपर्क आया है, ताकि वो अपने आप को पहले तो आइसोलेट कर लें और ये जानकारी जब वो देंगे तो हम उनके सैंपल्स पिकअप कर सकते हैं। इस तरह की हमारी पूरी व्यवस्था है इस चीज़ को डील करने के लिए। जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप में कोई लक्षण आते हैं जो कि COVID-19 से मिलते जुलते हैं, तो कृपया करके आप सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करें और फिर उसके बाद इसकी सूचना आप 104 नंबर पर भी दे सकते हैं, बाकी मेडिकल स्टाफ को भी दे सकते हैं, ताकि आपका सैंपल पिकअप किया जा सके और आपकी टेस्ट की जा सके। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को जब सिम्टम्स आए तो अपने आप को आइसोलेट करें, सिम्टम्स के साथ उसको नज़रअंदाज करके पब्लिक में जाना ये संक्रमण को फैलने में मदद करता है, बहुत ज़्यादा संक्रमण इससे फैल सकता है। तो सबसे मैं आग्रह करूंगा कि जैसे आपके सिम्टम्स आए आप कृपया करके सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लें। हमने जिला मंडी में सभी जगह पर जो हमारे सिविल हॉस्पिटल्स हैं, सीएचसीज हैं, वहां पर फ्लू क्लिनिक्स एस्टैब्लिश किए हैं और 7 लोकेशंस पे हमारा सैंपल कलेक्शन कियोस्क भी हमने सेटअप किया है कि वहीं पर अगर कोई फ्लू क्लिनिक में आता है तो उसके सैंपल हम पिकअप करें। तो मेरा सभी लोगों से अपील है कि जब कभी आपके सिम्टम्स आए तो कृपया करके उसको नज़रअंदाज ना करें, तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें और नज़दीकी हेल्थ जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर संपर्क करें, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपका सैंपल उठाना है या किस तरह से आपको आपकी ट्रीटमेंट करनी है। मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूंगा कि काइंडली स्पेकुलेशन या अनुमान किसी भी चीज का ना लगाएं, जो भी वास्तविक जानकारी है उसके बारे में हम आपसे संपर्क करेंगे, आप सभी से शेयर करेंगे। ये DPRO के माध्यम से भी हम कर रहे हैं और जितने भी हमारे प्रेस के लोग हैं उनके माध्यम से भी हम शेयर कर रहे हैं, तो वो पुख्ता जानकारी जो है वो आप तक पहुंच रही है। कृपया करके सोशल मीडिया पर रूमर्स ना फैलाएं और अपने कुछ अनुमान या इस तरह से चीज़ें ना डले, ताकि उससे अननेसेसरी भय का माहौल फैलता है और लोग डर से जो वो एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। तो मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे ही विश्वास करें जो हम आप तक समय पे प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपसे ये भी अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई जानकारी चाहिए तो वो हमारे जो WhatsApp नंबर है उस पर आप मैसेज डाल सकते हैं, हम आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर भी हो सके, या आप हमारा जो डिजास्टर का टोल फ्री नंबर है 1077 उस पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं, ताकि वी कैन गेट बैक टू यू और आपको रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपकी जो क्वेरी थी उसका ये समाधान है। तो इस तरह की अगर किसी के मन में डाउट है तो उसको सोशल मीडिया पे ना एक्सप्रेस करके हमसे पूछ ले, हम आपको जवाब दे देंगे ताकि आपको पर्याप्त जानकारी आपके पास हो सके। इस पूरी प्रक्रिया में हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों ने जो सरकार द्वारा दिए गए हिदायतों का पालन किया है
वो लोग संक्रमित नहीं हुए हैं, उनकी संभावना संक्रमित होने की भी बहुत बहुत कम है, जिसमें कि 2 गज की दूरी और फेस कवर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी पॉजिटिव केस के साथ भी अगर आपकी इंटरेक्शन होती है, तो अगर आपने 2 गज की दूरी रखी है प्लस आपने फेस कवर रखा हुआ है जिसमें कि फेस कवर नाक और मुंह पे है, ना कि गले में, तो मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति को इस कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होना पड़ेगा। ये प्रिकॉशंस अगर सभी लोग फॉलो करेंगे तो हम संक्रमण को रोक सकते हैं और आप अपने आप को भी बचा सकते हैं इस वायरस से, अपने परिवार को भी इस वायरस से बचा सकते हैं। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।